सैलाबी सूरत हाल ने जिंदगी महाल कर दी। काछू में ताहाल लोग सैलाबी पानी में महसूर। कंबर शहदादकोट में एफ पी बचाओ बंद की हालत कमजोर। दरियाए सिंध के तमाम हिफाजती बंद पर टीमें अलर्ट। सखर बैराज के मुख्तलिफ गेटों से 7 लाशें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सेहमन पहुंच गए। मंचर झील के दौरे पर रवाना। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। महकमे आबपाशी के हुकाम पानी की सतह में बुलंदी पर ब्रीफिंग देंगे। इस्लामाबाद में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। लाहौर गुजरावाला सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरसेंगे। पिशावर एबटाबाद मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश होगी। आजाद कश्मीर में भी तेज बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मुतहरिक। इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद। बैन अल-अक़वामी इदारों की शिरकत। पाकिस्तान में तवानाई के मुतबादल ज़राए बढ़ाने की तजवीज़। बालाई इलाकों में पानी महफूज करने के ज़राए बढ़ाने पर भी गौर। मौसम में बेहतरी भी बिजली की तलब पूरी ना कर सकी। मुल्क में बिजली का शॉर्ट फॉल 4979 मेगावाट हो गया। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 घंटे से तजावुज। ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग भी ज्यादा। पीडीएम का दबाव काम कर गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगस्त के वस्त तक सुनाए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की केस का महफूज फैसला सुनाने की तैयारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत रोजाना की बुनियाद पर इजलास शुरू। आला हुकाम का रोजाना ऑफिस आने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा आइंदा समाअत पर फर्दे जुर्म के लिए तलब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाने का केस। इमरान खान आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश नहीं होंगे। बाबर अवान ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान ने मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत की तफ्तीशी अफसरान को जाने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के पाकिस्तान में सेहत और समाजी शोबे के प्रोग्राम्स पर तबादले ख्याल। वजीर आजम ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की पोलियो के खात्मे में मदद को सराहा और कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान पुरअज़्म है। कोरोना के बायस 3 मरीज दम तोड़ गए। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 605 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक एक रोज के दौरान मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 3.15% रही। 174 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। टोयोटा के बाद होंडा कंपनी ने भी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। गाड़ियों की कीमतों में 14,50,000 रुपए का इजाफा। होंडा सिटी एनटी 7,85,000 से बढ़कर 40,49,000 की हो गई। सिटी एस्पायर सीवीटी की कीमत में 9,00,000 का इजाफा। होंडा सिविक एम सीवीटी 12.5 लाख रुपए मजीद महंगी हो गई। पाक बहरिया के जहाज पीएनएस तैमूर का कंबोडिया का दौरा। पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कमांडिंग अफसर की कंबोडिया के आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी और दोतरफा बहरी तआवुन पर तबादला ख्याल। चीन से रवानगी के बाद पीएनएस तैमूर ने हांगकांग का भी दौरा किया।